स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो फ्लिपकार्ट और जीव्स के कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लान से रिलेटेड है, या कहें तो एक अपडेट है फ्लिपकार्ट और जीव्स के कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लान का जो इशू ऑनगोइंग चल रहा है। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियोज देखी हैं उन्हें शायद पता होगा कि लास्ट 1 से 1.5 महीने से मैं फ्लिपकार्ट और जीव्स से कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लान को लेके इनसे मैं लगातार फाइट कर रहा हूँ। तो 1 से 1.5 महीने फाइट करने के बाद और लगातार फॉलो अप करने के बाद आखिरकार मेरा टीवी पिकअप हुआ। पिकअप करने के बाद जो लास्ट अपडेट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिया था वो ये था कि इन्होंने मुझे कमिट किया था कि इन 1 बिजनेस वर्किंग डेज में मेरे पैसे या मेरा अमाउंट जो भी क्लेम था मेरा वो मुझे रिसीव हो जाएगा। तो मैंने फिर वेट किया और इस बार तो इन्होंने काम थोड़ा जल्दी कर दिया। इन्होंने 8 दिन नहीं लिए बल्कि 3 से 4 दिन में मेरा अमाउंट जो मेरा क्लेम अमाउंट था वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया और मुझे मैसेज रिसीव हुआ कि फ्लिपकार्ट से दैट मच अमाउंट आपको एड हुआ है वाया NEFT दिस। तो इसके बाद ये भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कितना अमाउंट मुझे मिला है। एक डाउट था जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि फ्लिपकार्ट मुझे बोल रहा है कि उन्होंने अप्रूवल लिया है 6,994 रुपये का और जीव्स ने मुझे रिटर्न में कम्युनिकेट किया था कि अप्रूवल जो है उनके पास वो है 5,099 रुपये का। तो इसमें करीब रफली 1900 रुपये का 1900 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा था। तो अब जो मुझे फाइनली अमाउंट रिसीव हुआ है 6,944 रुपये। तो जब ये अमाउंट 6,944 रुपये क्रेडिट हुआ मेरे अकाउंट में और मुझे मैसेज आया तो मुझे एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि यार ये अमाउंट कैसे मेरे पास आ गया। मुझे उम्मीद भी बहुत ज़्यादा नहीं थी फ्लिपकार्ट से कि इतनी जल्दी पैसा मुझे दे देंगे। तो मैंने क्रॉस चेक किया, डबल चेक किया कि क्या मैसेज रियल है, फेक तो नहीं है। मैंने अपना अकाउंट बैलेंस जाके चेक किया नेट बैंकिंग पे, तो बिल्कुल ये एक रियल और करेक्ट मैसेज था जो कि मुझे रिसीव हुआ था। तो इसके बाद काफ़ी रिलीफ में फील कर रहा हूँ कि जो मेरा 1 से 1.5 महीने मैंने लगातार फॉलोअप किया, मेहनत किया और इनसे लड़ाई झगड़ा किया, उसका मुझे कुछ फल जाके मिला। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हमें ये कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लान लेना चाहिए या नहीं। तो भाई मैं तो इस समय खुद भी कंफ्यूज हूँ कि क्या लेना चाहिए नहीं, लेकिन कभी कभी लगता है इसका आउटकम देख के जो भी ये प्रोसेस रहा पूरा कि हाँ हमें ले लेना चाहिए, लेकिन वही दूसरी तरफ लगता है कि इतने सारे कंप्लेंट लोगों ने ऑनलाइन डाले हुए हैं, लोगों को इनफैक्ट फॉलो अप कर रहे हैं वो रेगुलरली, फिर भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे। कंज्यूमर कोर्ट तक लोग चले गए हैं फिर भी उन्हें प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो वो देख के लगता है कि शायद नहीं लेना चाहिए। अगर मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊं जो मुझे अब ओवरऑल लगता है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो लोग कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लान ले जिन्हें टीवी की ड्यूरेबिलिटी पर डाउट है, या फिर ये प्रोटेक्शन प्लान बहुत महंगे नहीं मिल रहे हैं, या फिर उनके अंदर एक जज्बा है कि लड़ने का कि हाँ मैं इनसे लड़ूंगा, मैं तब तक लड़ूंगा, रेगुलर फॉलो अप करूंगा जब तक मुझे मेरे पैसे मिल नहीं जाते। अगर आप इन 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे तब आप ये कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लान ले सकते हैं। वहीं अगर आप ये सोचें कि भाई खरीद लेते हैं, इजीली रेज करेंगे और ये हमें पैसा दे देंगे, तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत लोगों का पैसा खा चुके हैं, या कहो तो बहुत लोगों का पैसा मर चुका है इसमें। तो अब फाइनल डिसीजन तो मैं कहूँगा कि आप सब लोगों का ही है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको एक सेफ हैंड लेके चलना है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके दिमाग में रहे कि हाँ यार मेरा टीवी सिक्योर है 3 साल के लिए, तो आप ये ले लो। लेकिन 1,000 रुपये से ज़्यादा की मिले तो मत लो, 1,000 से कम का ही लो, 700, 800, 900 रुपये तक मिले तो ख़रीद लो। बहुत ज़्यादा रुपये वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको शिफ्टिंग वगैरह नहीं करनी है, एक ही जगह रहना है, तो ना लो, कोई फ़ायदा नहीं है। शिफ्टिंग वगैरह करनी है, डाउट है कि टीवी ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, तब आप ये ले सकते हो। तो शायद मैंने मल्टीपल रीजंस यहाँ पे बता दिए हैं। तो यही था आज की वीडियो में, आने वाली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।